नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गाड़ी स्टार्ट की एक और नई वीडियो में। और गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं TVS NTORQ 125 XT वेरिएंट के बारे में। और आज की वीडियो में स्कूटर के बारे में डिटेल में बात होने वाली है। और आज की डेट में ये वाला जो स्कूटर है वो लॉन्च हो चुका है। तो गाइज आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाला है कि क्या स्कूटर में नए नए फीचर कंपनी ने एड ऑन करे हैं, क्या स्कूटर का प्राइस है और कब तक ये वाला स्कूटर हमें शोरूम में देखने को मिलने वाला है। तो गाइज जो TVS NTORQ 125 है वो 125cc सेगमेंट का मोस्ट पावरफुल स्कूटर है। और यहाँ पर ये जो स्कूटर है वो यामाहा RZR, हीरो मास्टर एज 125 और ऐसे कई सारे स्कूटर को इंडियन मार्केट के अंदर टक्कर देता है। और इंडियन मार्केट के अंदर TVS NTORQ की काफी ज्यादा डिमांड है। तो गाइस TVS NTORQ 125 लॉन्च हो चुकी है और इस स्कूटर का जो शोरूम प्राइस है वो है 1,03,000 रुपए। और ये वाला स्कूटर आपको ऑन रोड लगभग 1,25,000 रुपए के आसपास का पड़ने वाला है। और ये जो स्कूटर है वो रेस XP एडिशन से 13,600 रुपए महंगा है। और यहाँ पर गाइस आपको TVS NTORQ के XT वेरिएंट में काफी सारे फीचर देखने को मिलते हैं। और ये जो फीचर स्कूटर में ऐड किए गए हैं उनसे ये जो स्कूटर है वो काफी ज्यादा एडवांस बन जाता है। और गाइस आज की डेट में स्कूटर के टक्कर की कोई भी स्कूटर इंडियन मार्केट के अंदर नहीं है। तो गाइस यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको इस न्यू NTORQ 125 में क्या क्या नया चेन देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला चेन तो ये है कि आपको इस स्कूटर में इस बार ट्विन स्क्रीन कंसोल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर गाइस आपको इस कंसोल में दो स्क्रीन देखने को मिल रहे हैं। और ये जो दो स्क्रीन प्रोवाइड करने का आइडिया है ये बिल्कुल ही नया है। और यार मेरे को ये वाला जो आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया। यहाँ पर आपको इस कंसोल के अंदर स्मार्ट XTORQ और स्मार्ट XTRACK टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। और ये टेक्नोलॉजी क्या है गाइस वो आगे जाके हम वीडियो में पता करने वाले हैं। तो गाइस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर तक पूरा देखिएगा। और गाइस अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को तो लाइक करना बनता है। और यहाँ पर आपको TVS NTORQ 125 के XT वेरिएंट में वॉइस कमांड वाला फीचर देखने को मिलता है। और गाइस इसका जो स्विच है वो आपको हैंडल बार के ऊपर देखने को मिलेगा। आप जैसे इसको प्रेस करेंगे तो आपका जो वॉइस कमांड वाला फीचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और यहाँ पर आप इस स्कूटर में वॉइस कमांड को देकर नेविगेशन को सेट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप जो भी स्कूटर में राइडिंग मोड्स कंपनी ने प्रोवाइड करे हैं उसको वॉइस कमांड देकर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंसोल की ब्राइटनेस होगी और सॉन्ग को चेंज करने के लिए आप वॉइस कमांड दे सकते हैं। तो इस वॉइस कमांड देने से वो जो सॉन्ग है वो चेंज हो जाएंगे। और अपने स्कूटर में वॉइस कमांड देने वाली TVS मोटर ऐसी पहली कंपनी है इंडियन मार्केट के अंदर। और गाइस डे बाय डे TVS मोटर अपनी बाइक्स और स्कूटर में ऐसे ऐसे फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कि हमें सुपर बाइक्स में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मेरे को स्कूटर में एक बहुत ही बढ़िया चीज लगी वो ये थी गाइस, मान लो अगर आपके स्कूटर में फ्यूल कम है या तो आपके स्कूटर का जो फ्यूल है वो वेस्ट हो रहा है तो गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वॉइस फीडबैक के थ्रू इस स्कूटर में देखने को मिल जाती है। तो गाइस ये तो मेरे को सबसे बढ़िया फीचर लगा है स्कूटर के अंदर। और इसके अलावा स्कूटर के अंदर एक और फीचर ये भी है, मान लो कि आपका फोन आपके स्कूटर से कनेक्ट हो और किसी का फोन आ जाए तो गाइस आप जो भी इनकमिंग कॉलर होता है उसकी जो फोटो होती है उसको सेट कर सकते हो और वो जो फोटो होगी वो आपको कंसोल में शो हो जाएगी। तो भाई ये तो मेरे को बहुत ही बढ़िया फीचर लगा। और गाइस ऐसा फीचर सिर्फ हमें TVS NTORQ के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा गाइस अगर बात करें और फीचर के बारे में तो यहाँ पर आपको वेदर की न्यूज, डेली न्यूज, क्रिकेट न्यूज ये सारी गाइस आपको अपने कंसोल के अंदर ही शो जाती है। उसके लिए आपको अपना फोन को अपने स्कूटर से कनेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर आपका जो मोबाइल डाटा होता है वो ऑन होना चाहिए इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा अगर बात करें और चेंजेस के बारे में तो यहाँ पर आपको स्कूटर में नियॉन ग्रीन कलर के ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं और ये स्कूटर को काफी बढ़िया लुक प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा गाइस इस बार स्कूटर में कंपनी ने न्यूली डिजाइन अलॉय व्हील को प्रोवाइड किया जिससे स्कूटर का लुक काफी ज्यादा बढ़िया आता है। और गाइस आपको ये वाले अलॉय व्हील कैसे लग रहे हैं ये तो आपको मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना है। इसके अलावा गाइस आपको यहाँ पर स्कूटर में हाई क्वालिटी का मटेरियल देखने को मिलता है सीट के ऊपर और यहाँ पर स्कूटर की जो लुक काफी ज्यादा बढ़िया आ रही है। और गाइस आपको स्कूटर की लुक कैसी लग रही है ये तो आपको मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना है। यहाँ पर गाइस अगर बात करें स्कूटर के इंजन के बारे में तो यहाँ पर आपको स्कूटर में 125cc सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है और आपको इस इंजन से 10 bhp की पावर देखने को मिलती है। इसके अलावा 10.8 न्यूटन मीटर का आपको स्कूटर से मैक्सिमम टॉर्क देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें गियर बॉक्स के बारे में तो यहाँ पर आपको स्कूटर में सीवीटी गियर बॉक्स देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको स्कूटर के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स सस्पेंशन देखने को मिलेंगे और आपको स्कूटर के रियर में सिंगल स्प्रिंग सस्पेंशन जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर बात करें ब्रेक सेटअप के बारे में तो यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलेगी और आपको स्कूटर के रियर में ड्रम ब्रेक जो है वो देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर राइडर की सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए आपको स्कूटर में कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर स्कूटर में कोई भी मैकेनिकल चेंज नहीं किया कंपनी ने, बस यहाँ पर आपको न्यू अलॉय व्हील मिल रहे हैं, न्यू कलर ग्राफिक्स मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको न्यूली डिजाइन कंसोल स्कूटर में मिल रहा है। और इन सब फीचर के लिए आपको 13,600 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो गाइस आपको ये वाला स्कूटर कैसा लग रहा है ये तो आपको मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना है। और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बनता है। तो चलिए गाइस, अब बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ रहे।